फॉर्म 17C यानी द अकाउंट ऑफ वोट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम इसी मत पत्रों के लेखा जोखा वाले प्रारूप के बारे में आज जानकारी साझा करेंगे। साथियों, फॉर्म 17C द अकाउंट्स ऑफ वोट रिकॉर्डेड हमें स्टैट्यूटरी बुकलेट 02 में मिलते हैं। इनकी संख्या 30 होती है। इस फॉर्म 17C के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड तथा पार्ट 2 रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। मतदान समाप्ति के बाद इस फॉर्म के पार्ट 1 को प्रेजाइडिंग ऑफिसर द्वारा भलीभांति भरा जाता है। इस फॉर्म की एक एक प्रति मतदान समाप्ति के दौरान पोलिंग बूथ में उपस्थित सभी पोलिंग एजेंट्स को दी जाती हैं। यह फॉर्म 17C इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि काउंटिंग ऑफ वोट्स के दौरान सबसे पहले 17C में दर्शाए गए कुल मतों की संख्या और CU द्वारा दर्शाए गए कुल मतों की संख्या का मिलान होने के बाद ही काउंटिंग ऑफ वोट्स की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसलिए इस फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी भरना प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुश्किल में डाल सकता है। आइए अब देखते हैं कि इस फॉर्म के पार्ट 1 को कैसे भरना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी PC का नंबर एवं नाम भरिए। इसके बाद फॉर्म के बाद जो खाली स्थान दिया गया है उसमें आप अपने AC का नंबर एवं नाम भरिए। इसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन पूछा गया है, आप इसे भर दीजिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन, इसमें कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, इसके बाद बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर तथा VVPAT का सीरियल नंबर आपको देना है। अगर सब्सिक्वेंट कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT मशीनों का इस्तेमाल हुआ है तो उनका नंबर भी आपको इस फॉर्म में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT के सामने दर्शाना है। साथियों, ये सभी सीरियल नंबर आपको इन मशीनों के ऊपर लिखे मिलते हैं या फिर आपको मिले सामान की लिस्ट में भी दिए गए होते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं सीरियल नंबर 1 की, जिसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर असाइन टू पोलिंग स्टेशन। मान लीजिए आपको दी गई मार्क कॉपी में यह संख्या 920 है तो यहाँ पर आप 920 लिखेंगे। अगर आपके बूथ पर 5 EDC मतदाता और मतदान का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी यह संख्या हो जाती है 920 प्लस 5 EDC इज इक्वल टू 925। ध्यान रहे कि जो भी EDC मतदाता होते हैं उनका पूरा ब्यौरा आपको मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टर रोल के अंतिम सीरियल नंबर के बाद पेन द्वारा अगला सीरियल नंबर डालकर लिखना होता है। वोटर की पूरी जानकारी आपको EDC फॉर्म 12B से मिल जाती है, जिसमें वोटर का नाम, इलेक्टोरल रोल में वोटर का सीरियल नंबर आदि लिखे होते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देना है कि ऐसे मतदाताओं से हमें फॉर्म 12B ले लेना है तथा ये सभी फॉर्म 12B हमें सब एनवलप 4/4 में रखने होते हैं तथा यह सब एनवलप मास्टर एनवलप 4/1 नॉन स्टैचुटरी कवर में डाला जाता है। यहाँ यह भी याद रखें कि ऐसे मतदाताओं का ब्यौरा हमें 17A में भी लिखना होता है तथा 17A में वोटर्स के पूरे हस्ताक्षर कराने होते हैं। ऐसे मतदाता उस बूथ के दूसरे सामान्य मतदाताओं की तरह ही EVM मशीन से मतदान करते हैं। सीरियल नंबर 2 पर हमें भरना होता है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर्स 17A। मान लेते हैं यह संख्या 605 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 605।
यहाँ यह बात अवश्य ध्यान दें कि आपको 17A में छपे हुए सीरियल नंबर का ही पालन करना है तथा उसी क्रम में मत पर्चियाँ जारी करनी हैं तथा मत पर्चियों को उसी क्रम में गड्डियाँ बनाकर रखना होता है। सीरियल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। सीरियल नंबर 3 के सामने खाली स्थान में हमें भरना होता है वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू वोट। वैसे तो आजकल ऐसा कोई वोटर होना बहुत मुश्किल है जो पहले कतार में लगे, अपनी पहचान पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 से कराए, तर्जनी पर अमित शाह ही लगवाए, 17A रजिस्टर में सिग्नेचर भी करे और बाद में EVM मशीन के माध्यम से वोट डालने से मना कर दे, लेकिन फिर भी रिफ्यूज़ टू वोट की संभावना है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि जो मतदाता इस तरह वोट नहीं करना चाहते हैं उन्हें हम वोट डालने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे सभी वोटर्स की एंट्री हमें 17A से काटनी नहीं होती है बल्कि 17A में उसी वोटर के रिमार्क कॉलम में हमें रिफ्यूज़ टू वोट लिखकर अपने सिग्नेचर करने होते हैं तथा अगर हमने CU पर बैलेट बटन दबाकर एक वोट BU को जारी कर दिया है तो अगले सीरियल नंबर पर आने वाले वोटर को वोटिंग कंपार्टमेंट में भेज देते हैं और अगला वोटर अपना वोट कास्ट कर लेता है। वैसे तो ऐसे वोटर्स की संख्या आपके बूथ पर 0 ही होती हो तो ही अच्छा है, लेकिन यहाँ फॉर्म 87 को समझने के लिए हम यहाँ ऐसे वोटर्स की संख्या 2 मान लेते हैं। सीरियल नंबर 4 में हमें भरना है नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट अंडर रूल 49M। इस खाली स्थान में उन वोटरों की संख्या आती है जो वोटर चुनाव की प्रक्रिया यानी लेड डाउन प्रोसीजर को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे वोटर्स को आप वोट डालने से इनकार कर सकते हैं, कर देते हैं। ऐसे वोटर्स को अगर आपने वोटर स्लिप जारी की है तो वह वोटर स्लिप आप उनसे वापस लेकर रद्द कर देते हैं। ऐसे वोटर्स की भी संख्या लगभग 0 ही होती है, लेकिन यहाँ हम उदाहरण के लिए 1 मान लेते हैं। तो इसके सामने हमने लिख दिया 1। अब हम बात करते हैं सीरियल नंबर 5 की। सीरियल नंबर 5 में हमें टेस्ट वोट का ब्यौरा देना होता है, यह भी लगभग 0 ही होता है तो हम इसे 0 ही मान लेते हैं। अगर कोई टेस्ट वोट है तो उसका पूरा ब्यौरा हमें यहाँ सीरियल नंबर 5 के A में देना होता है जिसमें कितने वोट डले, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं और किस सीरियल पर इलेक्टर ने 17A में उस वोट को हमने दर्ज किया है वो हमें यहाँ पर लिखना होता है और B सीरियल नंबर पर सब सीरियल नंबर है इसमें हमें ये लिखना होता है कि किस कैंडिडेट को उस वोटर ने अपना वोट दिया। यहाँ कैंडिडेट का सीरियल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट और कितने वोट उस कैंडिडेट को टेस्ट वोट के दौरान मिले वो हमें यहाँ लिखना होता है। अगर टेस्ट वोट के दौरान VVPAT गलत पर्ची छापती है तो हम मतदान को रोककर इस घटना की पूरी जानकारी ARO RO को देते हैं तथा उनके निर्णय का इंतजार करते हैं। अगर टेस्ट वोट के दौरान सही वोटर स्लिप VVPAT छापती है तो मतदान की प्रक्रिया जारी रखते हैं। सीरियल नंबर 6 हमसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन। यह जानकारी हमें मतदान समापन की घोषणा के बाद CU पर क्लोज बटन दबाने के उपरांत CU के टोटल बटन दबाकर मिलती है। मान लेते हैं CU हमें 602 का आंकड़ा देती है तो हम सीरियल नंबर 6 के सामने लिख देते हैं 602। अब 7वें सीरियल नंबर पर हमसे पूछा जाता है कि जो सीरियल नंबर 2 पर टोटल दिया गया है उसमें से यदि हम सीरियल नंबर 3 के खाली स्थान में दिए गए टोटल को और 4 सीरियल नंबर के खाली स्थान में लिखे वोटों की संख्या को घटा देते हैं तो हमें जो आंकड़ा मिलता है क्या वो सीरियल नंबर 6 में भरे गए आंकड़े से मिलता है? अगर नहीं तो विवरण दें। तो हमें इस कॉलम के खाली स्थान में लिखना होता है
602 टैलीज विद सीरियल नंबर 6, नो डिस्क्रिपेंसी नोटिस्ड। सीरियल नंबर 8 कहता है, नंबर ऑफ वोटर्स टू हुम टेंडर बैलेट पेपर्स वर इशूड अंडर रूल 49P। इससे पहले हम ये जानकारी ले लेते हैं कि प्रत्येक बूथ पर 20 टेंडर वोट्स जारी किए जाते हैं जिनका के सीरियल नंबर उनके ऊपर लिखा हुआ होता है। वैसे तो यह सबसे अच्छी बात होती है कि आपको जो आपको जारी किए गए टेंडर बैलेट पेपर हैं उनका इस्तेमाल करने की नौबत ही ना आए, क्योंकि अगर आपके बूथ पर टेंडर वोट इस्तेमाल होता है तो उसका यही अर्थ है कि आपके पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 ने पहचान पत्रों की जानकारी सही से नहीं चेक की और उसने किसी एक वोटर के स्थान पर किसी दूसरे वोटर को वोट डालने की इजाजत दे दी। ऐसे में अगर आपके बूथ पर 5 से ज्यादा टेंडर वोट जारी कर दिए जाते हैं तो आपका बूथ स्क्रूटनी के तहत आ जाता है। लेकिन अगर आपने फिर भी टेंडर वोट जारी किए हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 8वें सीरियल नंबर पर आपको लिखना है कि आपने कितने टेंडर बैलेट पेपर जारी किए। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि जिन वोटर्स को आप टेंडर बैलेट जारी करते हैं उन वोटर्स को ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे वोटर बैलेट पेपर के माध्यम से ही एरो क्रॉस रबर मार्क के द्वारा अपने चहेते उम्मीदवार को वोट देते हैं, उस टेंडर वोट को सही से फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे देते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे सभी मतदाताओं का जो ब्यौरा है वो 17A की बजाय 17B में भरवाते हैं। 17B में ही वो ऐसे वोटर्स के सिग्नेचर लेते हैं, हस्ताक्षर लेते हैं, उसके उपरांत ही वो उनको टेंडर बैलेट पेपर जारी करते हैं। यहाँ यह भी बता दें कि यूज्ड टेंडर बैलेट पेपर्स स्टैचुटरी लिफाफे 3/3 एवं अनयूज्ड टेंडर बैलेट पेपर्स स्टैचुटरी लिफाफे 3/4 में डालकर सील किए जाते हैं। इन दोनों सील्ड लिफाफों को स्टैचुटरी कवर 3/1 में रखा। सीरियल नंबर 9 पर आपको जारी किए गए टोटल बैलेट पेपर्स ए में लिखने होते हैं, उन सभी का सीरियल नंबर फ्रॉम 2, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही जारी किए जाते हैं, यहाँ पर लिखना होता है। बी में इशूड टू इलेक्टर्स, इनका नंबर वैसे तो 0 ही होता है, वो आपको लिखना होता है। अगर आपने जारी किए गए हैं तो उनका नंबर और उनके सीरियल नंबर जो जो आपने जारी किए हैं इलेक्टर को वो यहाँ पर लिखना होता है। सी में नोट यूज्ड एंड रिटर्न्ड, इनका ब्यौरा आपको देना। साथियों, 10वां सीरियल नंबर बहुत ही आसान है। इसमें अकाउंट ऑफ पेपर सील्स होता है। इसके अंदर हमें ग्रीन पेपर सील AB जिस पर मार्क होता है उनका नंबर सीरियल नंबर हमें देना होता है। ये जो सील हैं हमें 3 दी जाती हैं। इनमें से एक तो हमारी कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए यूज हो जाती है। इसके अलावा 2 में से या तो एक हमसे खराब हो जाती है तो उसका ब्यौरा हमें देना पड़ता है 4 नंबर पर, और जो अनयूज रह गई है उसका ब्यौरा हमें 3 नंबर पर देना होता है। ऐसे ही इस फॉर्म पर जो उस समय उपस्थित पोलिंग एजेंट्स हैं उनके यहाँ सिग्नेचर कराने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उन सभी का नाम और सिग्नेचर है, और अंत में डेट और प्लेस के बाद सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर करते हैं, पोलिंग स्टेशन का नंबर। और साथियों, अंत में हम फॉर्म 17C की एक मूल प्रति जिस पर एजेंट्स के सिग्नेचर हैं तथा उसी की एक कार्बन कॉपी को हम एनवलप 1/2 एनवलप 4 अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड में डालते हैं, और इस एनवलप को हम लाख के द्वारा सील नहीं करते हैं, और इसके बाद हम इस छोटे एनवलप को इसके मास्टर एनवलप जो कि ईवीएम पेपर्स के लिए मास्टर एनवलप है में डालकर रिसिप्ट सेंटर पर दे देते हैं। यह एनवलप स्ट्रोंग रूम में ईवीएम मशीन्स के साथ रखा जाता है तथा
जब काउंटिंग होती है तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि फॉर्म 17C का क्या महत्व है, इसको किस प्रकार भरा जाना है तथा इसको किन लिफाफों में डालकर रिसिप्ट सेंटर पर दिया जाना है। नमस्कार।